बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अहमद मोम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार ईद स्पेशल फलूदा सेवैया की रेसिपी लेके आए हैं, जो कि बनाना बिल्कुल ईजी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, शुक्रिया। देखें, यहाँ पर मैंने एक छोटी वाली कढ़ाई ली। कढ़ाई के अंदर मैं डालूँगी 1.5 कप पानी, जो सिंपल पानी है। इसके अंदर डालूंगी 1 टेबलस्पून भर के जो चीनी दे जाएगी, आधा आधा कप दे जाएगा कॉर्नफ्लोर या अलारोट भी आप ले सकते हैं, इसको शामिल करेंगे। इन सारी चीज़ों को चूल्हे पर नहीं मैंने रखा है, जो इसको इधर ही सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया। अब हम इसको मुसलसल हलाते रहेंगे इस स्पैचुला के साथ। आपने 1 मिनट भी हलाना बंद नहीं करना, इसको अच्छी तरह से हलाते रहना। इसको हम हलाते जाएंगे, आपने इसकी फ्लेम मीडियम रखनी है, इसको मुसलसल हलाते रहना। जो देखें माशाल्लाह से साइडों से आपने ऐसे उतारते जाना, अंदर की साइड करते जाना, इसको अच्छी तरह तेज़ तेज़ आपने हलाना इसको। देखें माशाल्लाह से आपने इसको दबा दबा के अंदर ही मिला देना, हमारा अच्छा सा लिक्विड सा इसका पेस्ट बनना चाहिए। माशाल्लाह, आपने ईद पे ज़रूर ट्राई करनी, बहुत ज़्यादा मज़े के बनता है। गर्मियों वाली ईद हो और ठंडा ठंडा फलूदा तो ईद का मज़ा आ जाता है। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना, होना शुरू हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से इसने बिल्कुल कलर चेंज कर दिया। हम इस पॉइंट पे 1 आध मिनट और पकाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से ये पकने के बाद कुछ इस तरह का हो जाएगा। सेवइयों को बनाने के 2 तरीके हैं, एक तो मेरे पास जे वाली मशीन, इसके साथ भी बना सकते हैं। अगर आपके पास जे वाली मशीन नहीं है तो आप इस तरह नॉर्मल घी की कोई भी थैली ले सकते हैं, इसके अंदर डाल के जहाँ से सुराख करके जे, इससे भी मैं बताऊँगी आपको बनाना। पहले मशीन से बनाएंगे, इसको हम अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, जाली लगाऊंगे इसके अंदर और इसको कर देंगे बंद। बाउल लेके उसके अंदर ढेर सारी बर्फ डाल दीजिए, काम आपने पहले करके रखना। अब शामिल करेंगे आप, अब हम इस मिक्सचर को डालेंगे। ये आपने गरम गरम डालना, ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना। अब हम इसको नीचे कर लेंगे घुमा के, ये देखें बिल्कुल एंड पे कर लिया। अब इसको करेंगे बंद, इसको ऐसे बर्फ़ वाले पानी के ऊपर आपने घुमाते रहना। अब इस मिक्सचर को डालेंगे ये ऑयल वाली थैली के अंदर, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इससे भी बहुत आसानी से आपकी फलूदा सेवइयाँ तैयार हो जाएंगी। इस तरह से टाइट कर लेना। अब हम इसकी थोड़ा सा कट लगाएंगे, ये देखें। अब हम डालना शुरू करेंगे, ये देखें माशाल्लाह से इस तरह से कितनी ज़बरदस्त हमारी सेवइयाँ तैयार हो रही हैं। ये देखें माशाल्लाह से लंबी लंबी,
देखिए माशाल्लाह से इस तरह आपने घुमाते जाना, ज़बरदस्त जैसे हमारी 10 महीने तैयार हो जाएंगी। देखिए माशाल्लाह से आपने जो काम गरम गरम का करना, देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी फलूदा सेवैयाँ बनकर बिल्कुल रेडी है। आपने इस तरह ज़रूर बनानी। उम्मीद है कि आपको हमारी ये फलूदा सेवैयाँ की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।